हेलो एवरीवन, मैं दीप्ति शर्मा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ कटहल की सूखी सब्जी। इस सब्जी को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना बताऊंगी और ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, सभी को बहुत पसंद आती है। सो फ्रेंड्स, आप लोग मेरी वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहें। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम इस सब्जी को बना लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कटहल को काट लेंगे। कटहल को काट के एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ज़्यादा ऑयल भर जाता है फिर सब्जी में, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको मैं फ्राई करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कटहल फ्राई हो चुका है, अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूँगी। फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ सब्जी को छोंकने के लिए टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च ली है। इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी और एक पेस्ट रेडी कर लूँगी छोंकने के लिए। और यहाँ मैंने 4 लाल प्याज ली है जिनको मैंने कट कर लिया है। और अब मैं सब्जी को छोंकूँगी। यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसमें मैंने जीरा डाला है और हींग डाल रहे हैं। और जब ये अच्छे से भुन जाएंगे तो हम इसमें प्याज डाल लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये अच्छे से भुन चुके थे, अब ये मैंने कटी हुई प्याज इसमें डाल ली है। प्याज के भुनने के बाद जो हमने टमाटो प्यूरी बनाई थी लहसुन अदरक और चिली की, अब हम इसमें ये प्यूरी ऐड कर लेंगे। प्याज अच्छे से भुन चुकी थी, अब हम इसमें नमक डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। फ्रेंड्स, अब ये मैंने 1/2 टेबल स्पून किचन किंग मसाला डाला है, जो इसको हम सब्जी मसाला बोलते हैं। ये सभी के किचन में अवेलेबल होता है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ये मैंने 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला डाला था और ये ड्राई मैंगो पाउडर, जिसको हम अमचूर पाउडर बोलते हैं, वो डाला है। और ये मैंने हल्दी डाली है। अब ये हमने अच्छे से पका लिया है, ये ऑयल छोड़ने लगा है मसाला। अब इसमें हम 4 टेबल स्पून दही डाल रहे हैं, दही डालकर इसको अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए अच्छे से पक चुका है, ये मसाला ऑयल छोड़ चुका था। अब ये मैंने इसमें फ्राई करे हुए जो कटहल थे वो डाल लिए हैं और इसको अच्छे से मसाले में मिक्स कर देंगे। अब ये 15 से 20 मिनट तक मैं ढककर पका लूँगी। फ्रेंड, 15 मिनट हो चुके हैं और देखिए हमारी कटहल की सब्जी कितनी अच्छी लग रही है और ये अच्छे से पक चुकी है। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई करें। इनको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि हम लोग पहले भी इसको फ्राई कर चुके थे। फ्रेंड्स, अब मैं इनको एक बाउल में निकाल रही हूँ। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय।